अब आप भूकंप के यांत्रिकी को समझिए। भूकंप के यांत्रिकी में आप ये समझिए कि ये तीनों वेव कैसे कैसे चलते हैं और छाया क्षेत्र क्या होता है और आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल लाइन क्या होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्केल को भी जानिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यांत्रिकी में क्या है, यहाँ देखिए कि पृथ्वी है, यहाँ पे फोकस है जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और यहाँ देखिए ईपी सेंटर जहाँ पे सबसे पहले लहरें पहुँचेगी, सबसे पहले पी पहुँचेगी। यहाँ जो फोकस है बहुत ताकतवर है, वो पी को सबसे पहले भेजता है, कहता है जाओ पी पहले ऊपर के बिल्डिंग को गिरा उड़ा करके आओ, यहाँ पे पूरा क्षति करके आओ। तो पी पहले आएगा, लेकिन पी ज़्यादा नुकसान कर नहीं पाता है, उसके बाद कहेगा अरे नुकसान ही नहीं हुआ। अब वो अपने दूसरे पुत्र को भेजेगा, एस को भेजेगा, कहेगा जाओ एस तुम जा करके गिरा करके आओ। फिर एस आएगा, एस भी हिलाने डुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। उसके बाद कहेगा अरे इससे भी नुकसान नहीं हुआ। फिर अपना सबसे छोटा बेटा को भेजेगा, कहेगा कि एल तुम जाओ, तुम गिरा के आओ। और एल जो है वो पूरा मस्ती में आएगा और एकदम हिलाते डुलाते जो है वह पूरे बिल्डिंग को गिरा देता है। यानी सबसे खतरनाक होता है एल वेव, उसका नाम ही है एल, इसको प्यार से इसने नाम रखा हुआ है एल, यानी कि लव, जा लव करके आओ। तो ये हुआ। अब देखिए कैसे होता है यहाँ से। अब आपको ये लगता होगा कि जो जहाँ पे फोकस है वहाँ पे जो लहरें उत्पन्न होती है वो खाली ईपी सेंटर तक आके रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे पृथ्वी के चारों तरफ चलती है। होता क्या है कि फोकस से पी और एस तरंगे चलती है, चलते 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 कोर तक पहुँच जाती है, पी और एस दोनों कोर तक पहुँच जाएगी, नहीं पहुँचेगी, वह सिर्फ मेंटल को पार करती है। पी जो है वह कोर को पार करके इस साइड में निकल जाएगी एंटीपोड हिस्सा में 21 मिनट में। यहाँ से चलना शुरू किया ईपी सेंटर पर तो पहले पहुँचेगा ही, उसके बाद वह ठीक इसके विपरीत एरिया में जिसको एंटीपोड बोलते हैं उसको 21 मिनट में पार करते हुए पहुँच जाएगा उस एरिया में भी। पी तरंगे एस नहीं होगा, एस सिर्फ क्रस्ट को पार करेगा, मेंटल को पार करेगा, लेकिन वह कोर को पार नहीं करेगा। क्यों पार नहीं करेगा? क्योंकि वह द्रव में नहीं चलती है। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है जो कि लगभग द्रव अवस्था में है, लगभग सेमी लिक्विड अवस्था में है, जिसको एल एस वेव तो पार ही नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो है सिर्फ पी बच जाता है जो इस एरिया को पार कर पाता है। एल वेव जो है, एल वेव को अंदर से कोई लेना देना नहीं है, वो सर्फेशियल है, वो सर्फेस के ऊपर ऊपर चलेगा, इसलिए वो ठोस द्रव गैस तीनों में चल जाता है। वह इस पूरे पृथ्वी के चारों तरफ चलेगा, एल वेव पूरे पृथ्वी के चारों तरफ चलेगा। अब देखिए इसमें शैडो जोन क्या होता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है? देखिए भूकंपीय छाया क्षेत्र जो है वह 102 डिग्री से लेकर 143 डिग्री के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। वह दोनों तरफ बनेगा पृथ्वी के, इस साइड में भी, इस साइड में भी देख रहे हैं आप। यहाँ पे होता क्या है कि यही गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है जिसको पार करते हुए पी वेव भी जो है अपना चाल को थोड़ा सा बदल लेता है, क्योंकि यहाँ पे सेमी लिक्विड अवस्था में है, वह सीधे नहीं चल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप बाराती जा रहे हो किसी का, और वहाँ पे स्वागत के लिए लोग खड़े हैं आपका, और अचानक आपके रास्ते में कीचड़ आ जाता है, और आप फिर भी नाच करते हुए चलते हैं, तो क्या करेंगे? कीचड़ में डुबक डुबक उसी में डूबेंगे। तो क्या करेंगे आप? वहाँ पे संभल संभल के चलेंगे, तभी ना वहाँ के जो महिलाएं हैं वो गाना गाएगी, आइए आपका इंतजार है, नहीं तो फिर जो है वो दूसरा गाना गाने लगेगी जब आप नहीं पहुँचिएगा। तो फिर यहाँ पे पी वेव भी अपना डायरेक्शन थोड़ा सा वो बदल लेता है, उसका एक जो एंगल होता है वो थोड़ा बदल जाता है। तो वहाँ इस एंगल से चल के 102 डिग्री तक, और फिर 143 डिग्री का जो ये बीच का जो क्षेत्र है इसमें पी और एस वेव दोनों ही रिसीव नहीं होता है। किस पे? सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ उसको अंकन ही नहीं कर पाता है, भूकंप लेखी यंत्र 102 और 103 डिग्री पर। तो पी और एस नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है पी और एस लेस जोन, इसको बोला जाता है कि पी और एस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन 143 डिग्री से लेके 143 डिग्री के बीच में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसमें पी वेव होगा और एल वेव होगा। एल तो सब जगह है, शैडो जोन में एल वेव रिसीव होता है, खाली एल वेव ही रिसीव हो पाता है शैडो जोन में। अब आप कहेंगे एल वेव कैसे रिसीव हो गया? तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि लव जो होता है वह छाया नहीं जानता है, न धूप जानता है, इसलिए लव तो कहीं भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा, और वह सर्फेशियल ही होता है। तो ये देख रहे हैं आप। उसके बाद जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं इधर पूरा 102 से लेकर पूरा 102 तक, यहाँ इसमें पी एस और एल तीनों वेव रिसीव होता है, इसमें पी भी है, एस भी है और एल भी है। तो आप इसको आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान से आप समझ जाइएगा। अब आगे समझिए, हमने यहाँ लिखा है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर क्या है? एक मशीन का नाम है, वह एक मशीन है जिसको सिस्मोमीटर कहा जाता है। और सिस्मोलॉजी किसको कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, हम आपको पहले ही बताए हैं। ग्राफ, सिस्मोग्राफ, देखिए
सिस्मोग्राफ भी एक मशीन है, उसमें ग्राफ लगा होता है, उसमें इस तरह से ग्राफ, जैसे कहीं आप ग्राफ बनाते हैं ना 1, 2, 3, 4, अब इसमें आप ऊंचाई दर्शाने के लिए कर दिए, और इसमें ऐसे 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 फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, कौन, सिस्मोग्राफ। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाएगा और ज़्यादा बड़ा बड़ा तो इसका मतलब ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आया है, और कम कम रहेगा तो इसका मतलब है कि बहुत कम कम छीन भूकंप आया है। उसी तरह से देखिए स्केल क्या होता है, स्केल होता है सिस्मोग्राफ, जिस मापनी के जरिए उसको मापता है उसको स्केल कहते हैं। स्केल मापने के एक इकाई होती है, हर चीज़ के मापने का, दूध भी इकाई होता है ना, दूध को भी तो मापा जाता है लीटर में, या फिर किसी द्रव्य को नापा जाता है केजी में तो या लीटर में। तो इस तरह से देखिए, पहले फेरल महोदय ने दिया था स्केल का एक परिभाषा, और उसने बताया था कि ऐसे मापा जाएगा, अब इसको कोई नहीं मानता है इसलिए इसको छोड़िए। रॉसी फोसेट नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी स्केल निर्धारित किया था, उसको भी पहले माना जाता था, अब इसको नहीं माना जाता है। उसके बाद मर्केली साहब आए, मर्केली ने अपना स्केल बनाया 1 से 12 तक, उसमें उसने स्केलिंग किया और उसको रखा 1 से 12 तक, 12 सबसे खतरनाक, 1 सबसे कम खतरनाक। तो इसको कहा जाता है कि इन्होंने क्वालिटी के आधार पर, यानी कि कहा जाता है गुण के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया था कि 1 वाला आएगा तो क्या गिरेगा, 2 वाला आएगा तो क्या गिरेगा, 12 वाला आएगा तो एकदम क्षति हो जाएगा, पूरा एकदम भयानक रूप से जो है से बर्बादी हो जाएगा। हालांकि इसको माना नहीं जाता है क्योंकि यह गुणात्मक था और इसे अब काम का नहीं रहा। उसके बाद रिक्टर साहब आए, रिक्टर ने इसको इसको लॉगरिदम के आधार पर इसको निर्धारित किया, लॉगरिदम के आधार पर उन्होंने इसका निर्धारण किया और 1 से 9 तक स्केल बनाया। लेकिन ये दसवा में है, दसवा क्यों लिखे हैं, तो दसवा जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो भूकंप आता है, जो बहुत तीव्रता का होता है, बहुत खतरनाक होता है, उसको मापने के लिए 10 निर्धारित किया है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि स्केल जो है रिक्टर का वो 1 से 9 ही है, लेकिन दसवा क्या है, तो दसवा जो है बहुत तीव्रता का, बहुत तेज गति से आने वाले भूकंप के लिए यह दर्शाया जाता है। अब आप देखिए आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है, होमोसिस्मल लाइन क्या होता है। आइसोसिस्मल का मतलब होता है समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। मान लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप आया, कहीं पे भूकंप आया, यहाँ ईपी सेंटर बना हुआ है और ईपी सेंटर के चारों तरफ कोई स्थान है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्थान है, जैसे कि कोई ए स्थान है यहाँ पे, कोई यहाँ पे बी स्थान है, कोई यहाँ पे सी स्थान है। तो अगर इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचे और कहे कि देखिए यहाँ पर भी एक रेखा हम बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 5 तीव्रता का भूकंप आया और यहाँ पे मान लेते हैं 6 तीव्रता का भूकंप आया, यहाँ भी मान लेते हैं डी कोई जगह है, यहाँ पे मान लेते हैं ई कोई जगह है और यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ कोई जगह है। अब देखिए 5 तीव्रता का भूकंप ए में भी आया है, बी में भी आया है, सी में भी आया है, तो कहेंगे कि तीनों जगह पे तीव्रता समान है, तो इसको कहेंगे समान तीव्रता। तो इसको समान तीव्रता वाले स्थानों को मिला देंगे तो बन गया समान तीव्रता वाला स्थान, तो इसको कहेंगे आइसोसिस्मल। अब देखिए होमोसिस्मल क्या होता है, समान समय पर भूकंप आता है अगर किसी क्षेत्र में तो उसको कहेंगे होमोसिस्मल। होमोसिस्मल जैसे मान लेते हैं कि यही कोई जगह है, जैसे कि ए है या ये बी है या सी है और इसको मान लेते हैं डी है, ई है और एफ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भूकंप आया सुबह के 8 बजे भूकंप आया और ये तीनों जगह जो है 8 बजे ही भूकंप रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको कहेंगे होमोसिस्मल, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे 8:01 पे आया और यहाँ भी एफ है, डी है और ई है और तीनों जगह पे 8:01 में ही भूकंप का झटका आया है पहला, तो कहेंगे कि ये भी तीनों जगह समान रूप से एकदम एक जगह पे भूकंप आया, तो इसको भी कहेंगे होमोसिस्मल, इस लाइन को कहेंगे होमोसिस्मल। तो आप आइसोसिस्मल होमोसिस्मल समझ गए हैं। अब आप समझिए भूकंपीय पेटी क्या होता है, जोन क्या होता है और कहाँ कहाँ पे कितना खतरनाक भूकंप आता है। अब आपको हम भूकंपों की पेटी के बारे में बताते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि पहला नंबर पे है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, प्रशांत महासागर के चारों तरफ। इस ग्लोब पर आप देखेंगे कि ये है प्रशांत महासागर, इधर देखिएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका और इधर आप देख रहे हैं इधर आपका पूरा एशिया है और इधर आप हिंद महासागर, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देखते हैं इसी को बोला जाता है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, यानी प्रशांत महासागर के तट के आसपास वाला क्षेत्र, उसमें 68% भूकंप आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर, यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटने का काम यही होता है, सबसे ज़्यादा फॉल्ट भी यही बने हुए हैं, ब्रंश बने हुए हैं। यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर से आती रहती है, इसमें दोनों में टक्कर होते रहता है, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। इसको बोलते हैं प्लेटों का
अभिसरण वाला क्षेत्र है ये, यानी कन्वर्जेंस वाला क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये जो प्रशांत महासागर है ये पूरा एक प्लेट का बना हुआ है, उसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। यह क्या है कि इसमें जा रहा है, अंदर में घुस रहा है, और अंदर में जा करके बेनी ऑफ जोन में जाके वो गल जाता है, और अंदर में जा करके मैग्मा बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत इकट्ठा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो है वह भूकंप का कारण बन जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे पर्वत भी बन जाता है, पर्वत अभी बन ही रहा है, यहाँ देख रहे हैं रॉकी पर्वत भी है, यहाँ पे एक एंडीज पर्वत भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे इतना ज्वालामुखी फटता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत बना हुआ है। साथ ही साथ इधर भी बना हुआ है, इधर न्यूजीलैंड वाला पूरा क्षेत्र में बहुत सारा ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र है, तो इसी को बोला जाता है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी कौन होगा, महाद्वीपों के बीच बीच में, इसके नाम से स्पष्ट है कि मध्य महाद्वीप महाद्वीप के बीच में, वो कहाँ है देख लीजिए, ये भी जो है ना ये भी प्लेटों का अभिसरण का क्षेत्र है, जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराती है, एक प्लेट जो भारी है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रशांत, ये मेडिटेरेनियन क्षेत्र है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, यहीं से शुरू हो जाता है ये पेटी, यहाँ से शुरू होकर के ऐसे 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 जा करके यह भारत के तरफ से आकर के यहाँ भारत के तरफ से यहाँ भी यहाँ से होते होते ये हिंद महासागर में पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, इसी को बोला जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ भी जो प्लेट आप देख रहे हैं, इधर अफ्रीका का ये पूरा का पूरा प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, और इधर आप देख रहे हैं कि पूरा इंडियन प्लेट है, या इंडो ऑस्ट्रेलियन मेडागास्कर प्लेट है, ये किधर जा रहा है, अफ्रीकन प्लेट उत्तर की ओर जा रहा है और यूरोप में जा रहा है, किसी न किसी दिन धीरे धीरे धसते धसते पूरे यूरोप को पठार बना देगा, ये होगा भविष्य में कुछ करोड़ साल के बाद। और इंडियन प्लेट जो उत्तर और पूरब की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ से नेपाल नक्शा से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सब बलित पर्वत बन जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ हिमालय बना हुआ है भारतीय वाला क्षेत्र में, और यहाँ पे कॉकेसस पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एटलस पर्वत है, ये सब पर्वत भी बन रहा है, और साथ ही साथ भूकंप भी आता है, और कहीं कहीं पे ज्वालामुखी भी फट जाता है। आप देखते हैं इटली या स्ट्रांबोली वाला क्षेत्र में ज्वालामुखी भी फटता है, क्योंकि तिब्बत का पठार और हिमालय वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा मोटा है वहाँ का क्रस्ट, इसलिए वहाँ ज्वालामुखी नहीं फट पाता है, लेकिन भूकंप तो आते ही है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, पांचवा नंबर के क्षेत्र में आता है ये, अभी भारत वाला बताएंगे तब आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी यहाँ बैरन द्वीप में फटता है, तो यहाँ भी कमजोर क्रस्ट है तो फाड़ के निकल जाता है, यहाँ 90 डिग्री ईस्ट रिज भी है जिसके सहारे ये होता है। तो आप देख रहे हैं कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी भूकंप आता है, तो यहाँ पे 21% भूकंप आता है, और काफ़ी बड़े बड़े झटके यहाँ भी आते हैं। तो जितने भी ऐसे मिलेंगे जहां दो प्लेट आपस में टकराती है, तो वहां पे बहुत गहरे भूकंप आते हैं, बहुत तगड़ा भूकंप आते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी कौन है, अटलांटिक महासागर के एकदम बीच में, मध्य मतलब बीच में है, तो आप देखिए कि ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ, ये पूरा अटलांटिक महासागर, इसके बीच बीच में देखिएगा इस पूरे ऐसे इस तरह से बीच से दरार फट रहा है, रिज बना हुआ है, इसी दरार के सहारे दोनों तरफ से प्लेट जो है एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, इधर वाला प्लेट इधर जा रहा है, इधर वाला प्लेट इधर जा रहा है, बीच में जो है वो दरार फट के उसमें से ज्वालामुखी निकलते रहता है, और ज्वालामुखी निकलने के कारण जो है वह चूंकि दरार को फाड़ते हुए और नीचे से हहाते हुए आता है, इसके कारण जो है यहाँ पे भूकंप आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। हालांकि यहाँ पे कम भूकंप आता है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाएँ जो होती है वो ज्वालामुखी वाला हो जाती है यहाँ पे, और भूकंप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते, लेकिन है ये भी क्षेत्र। उसके बाद अन्य क्षेत्र में आता है पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी, अफ्रीका में एक भ्रंश घाटी बना हुआ है, आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर यहाँ रेड सी तक ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है यहाँ भी दरार फट रहा है, और यहाँ भी भूकंप की क्रियाएँ होती रहती है। अब आप इसी को देख लीजिए मानचित्र में तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, सबसे पहले हमने बात किया है प्रशांत महासागर का तटीय पेटी। देखिए ये जो प्रशांत महासागर है, ये पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, यह पूर्वी प्रशांत महासागर है, इधर देख रहे हैं ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। अब आप कहेंगे इधर पश्चिम कैसे हो गया, इधर तो इधर ना होना चाहिए पश्चिम, लेकिन आप प्रशांत महासागर को देखेंगे, अगर इसको ग्लोब बना दीजिए, इसको ऐसे मोड़ देंगे पीछे से, तो गोल जब बन जाएगा तो ये क्षेत्र इधर आ जाएगा, ये क्षेत्र इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूर्वी, ये हो जाएगा पश्चिमी। तो आप ये एकदम क्लियर रहिएगा मानचित्र में, जब भी देखिएगा इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्री, वो अंदर में धंस रहा है, और ये ईस्टर्न प्लेट इधर भाग रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि बड़े बड़े खाई बने हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसीलिए जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, कहते हैं ना जापान भूकंपों का ही देश है, यहाँ पे हर रोज भूकंप आता है, हालांकि पूरी दुनिया में हर आधा घंटा एक घंटा पर एक बार भूकंप आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ ट्रेंच बना हुआ है,
यहाँ देखेंगे कि फिलिपाइंस प्लेट है, इसी कारण से यहाँ पे फिलिपाइंस प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इधर से पैसिफिक प्लेट है, उसके जंक्चर के आसपास ही जापान बसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी पड़ता है, और अंतःसागरीय भूकंप के कारण वहाँ सुनामी भी आ जाता है। सुनामी भी एक प्रकार का लहर है, और वह भी जो है भूकंप के कारण ही पैदा होता है ज़्यादातर, ऐसे लैंडस्लाइड भी उसके पीछे एक कारण है, लेकिन भूकंप के कारण ही मुख्यतः सुनामी भी आता है। तो यहाँ सुनामी भी आता है, उसको भी आप समझ गए होंगे, ये अंदर में जा रहा है, ये बाहर से आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ भी देख लीजिए, ये रॉकी पर्वत का, ये एंडीज पर्वत का, ये प्लेट अंदर में जा रहा है, जिसके कारण यह रॉकी भी उठ रहा है, एंडीज भी उठ रहा है, और यहाँ भूकंप भी आता है। यहाँ बड़े बड़े ट्रेंच है, ट्रेंच माने गड्ढा, अंदर में बहुत गड्ढा है, और उस गड्ढे में संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, इसी के कारण से भूकंप आते रहते हैं। तो ये आप समझ गए। दूसरा आप देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो पेटी आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी का। यहाँ देख रहे हैं अफ्रीकन प्लेट, ये जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर में जा रहा है, इधर से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुस रहा है, जिसके कारण यहाँ हिमालय बन रहा है, यहाँ काकेशस बन रहा है, यहाँ एटलस, यहाँ पे आल्प्स पर्वत, और इसके कारण भूकंप आता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ भी प्लेट अंदर में जा रहा है, और अंदर में जाके स्टेनोस्फीयर में ह्यूगो बेनी ऑफ जोन, जो जिन्होंने खोजा था बेनी ऑफ क्षेत्र, उसमें जाके गल जाता है, गलने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, वो एनर्जी निकलना चाहती है, और कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगी, जहाँ से नहीं निकलेगी वहाँ भूकंप आ जाएगा, जहाँ से निकल जाएगी वहाँ ज्वालामुखी हो जाएगा। तो इसको आप समझ गए। उसके बाद देख लीजिए मध्य अटलांटिक पेटी, इसको आपको बता ही दिए, उसको भी देख लीजिए। अटलांटिक पेटी यही अटलांटिक महासागर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दरार फट गया है अटलांटिक महासागर में, और दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसीलिए अटलांटिक महासागर फैल रहा है। कभी ना कभी ऐसा होगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा ये अटलांटिक, प्रशांत सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, इसके कारण है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी फटता है, और यहाँ भी भूकंप आते रहते हैं, हालांकि छिछला होता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। उसके बाद अन्य क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीकन बरंस घाटी, बरंस घाटी देखिए, यहाँ से आपको लेलोंगवे, आप देखें मलावी झील यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से शुरू होता है और धीरे 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 लाल सागर यहाँ तक पहुँच जाता है, आपको एशिया के क्षेत्र तक भी ये पहुँच जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी कभी ना कभी दरार फटेगा, और धीरे धीरे ये क्षेत्र भी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं पूर्वी अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पे न्यूबियन प्लेट है, इथोपियन प्लेट है, छोटे छोटे प्लेट सब है। यहाँ भी आप देखेंगे गोर्डे प्लेट है, यहाँ भी देखेंगे नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट को याद रखे रहिए, एग्जाम में बहुत पूछता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये नाजका प्लेट है यहीं पे। उसी तरह से कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट है, उसको भी आप याद रखे रहिएगा, यहीं पे है। इस तरह से यहाँ पे आप देखें एस्कोशिया कटक, एस्कोशिया प्लेट भी है, ये पूरा का पूरा एस्कोशिया प्लेट है। यहाँ पे कैरिबियन प्लेट है, तो इस प्लेट को छोटे छोटे जो भी प्लेट है उसको याद रखे रहिएगा। ग्रीनलैंड प्लेट है यहाँ पे, यहाँ इसके नेवियन प्लेट है, यही इसी तरह से यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो रहा है 90 डिग्री ईस्ट रीज के सहारे, तो ऑस्ट्रेलिया भी भाग रहा है, इसका मतलब वह भी एक प्लेट बन जाएगा। और यहीं पे एक चाइना प्लेट है, उसके बाद आपको याद होगा 2004 में 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ा सुनामी आया था भारत के अंदर में भी, यहीं पे इंडोनेशिया के आसपास में, यहीं पे तीन प्लेट है, बर्मा प्लेट यहीं पे है, आप देखेंगे कि यहाँ पे बर्मा प्लेट है और फिलीपींस प्लेट है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और उसी तरह से यहाँ पे एक ये प्रशांत प्लेट है, तीनों जंक्शन है यहाँ पे, यहीं पे भूकंप आया था और सुनामी लहरें पैदा हुई थी। तो आप समझ गए होंगे भूकंप की पेटियों को भी। अब हम आपको बताते हैं कि भूकंप का प्रभाव क्या होता है, और भारत में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव होता है, उसके बचने का क्या क्या उपाय है, पूर्वानुमान क्या होगा, इसको अभी आपको हम बताते हैं। अब आप भारत के भूकंप क्षेत्र को जान लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि भूकंप का पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है। देखिए भारत में जो क्षेत्र है भूकंप का प्रवण क्षेत्र का, पहले 5 था, अब उसको 4 पेटी में ही बांट दिया गया है। पूरे भारत में भूकंप आता है ऐसा मान लिया गया है। पहले कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ भूकंप नहीं आ रहे थे, बहुत ही कम वहाँ पे आ रहे थे, लेकिन वहाँ भी अब आ रहे हैं। तो पहले 5 था, अब 4 हो गया है, क्योंकि पहला नंबर पे जो थे जहाँ पे सबसे कम भूकंप की तीव्रता आती थी, तो वहाँ के जो क्षेत्र है वह भी अब असंतुलित होने लगा है, और वह भी अब वहाँ भी भूकंप की तीव्रता बढ़ रही है, वहाँ भी भूकंपीय घटनाएं अंकित की जा रही है, इसलिए 1 को 2 में ही शामिल कर लिया गया है। तो 1 और 2 दोनों मिलकर के 1 ही हो गया है। उसके बाद एक तीसरा जोन है, इसके बाद चौथा जोन है, इसके बाद पांचवा जोन है। पांचवा जोन जो है वह सबसे खतरनाक माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का माना जाता है, तो घटते क्रम में होता है। जोन 5 है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, 4 है तो 5 से कम खतरनाक होगा, 3 है तो 4 से कम होगा, 2 है तो 3 से कम होगा, है ना, तो इस तरह से होगा। तो आप पहले नंबर से देख लीजिए भारत को 5, ये जो 4 क्षेत्र है कौन कौन है।
तो सबसे पहला ये देख लीजिए कच्छ का क्षेत्र है, उसके साथ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, पूरा उत्तरी इलाका का पूरा जो उत्तराखंड है या पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, और अंडमान निकोबार भी है। ये पांचवा जोन में आता है। यहाँ पे भूकंप की तीव्रता 8 से ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है आपको पता है? इंडियन प्लेट जो है लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रहा है, और धंसने के कारण जो है नीचे जाकर के वह स्टेनोस्फीयर में जाके बेनी ऑफ जोन में जाके गल जाता है, और गलने के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होती है, वहां पे मैग्मा बन जाता है धरती के अंदर में, और वह मैग्मा निकलना चाहता है और निकल नहीं पाता है क्योंकि ऊपर का क्रस्ट बहुत मोटा है, हिमालय खुद ही बहुत मोटा है, उसके कारण धक्का देता है। एक होता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो गया मैग्मा और एकदम वह क्रुद्ध है, किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, तो क्या करता है कि यहां तक आता है, निकलना चाहता है, निकलता नहीं है, लेकिन क्या करता है, लात मार देता है, एक आध लात मार देता है, तो होता क्या है कि मतलब धक्का दे देता है जबरदस्ती, तो ये यहां पे भूकंप आ जाता है। तो ये क्षेत्र आप समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा क्षेत्र है उसको कहा जाता है चौथा नंबर का, वहां पे 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। ये देखिए, ये जो लाल लाल हमने बनाया है ये सब जो है चौथा नंबर का भूकंपीय इंटेंसिटी का क्षेत्र है, और यह भी बहुत खतरनाक माना जाता है। यहाँ भी 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। आप किस जोन में है आप अपना देख लीजिएगा, इसमें जम्मू कश्मीर में है कि आप कहाँ पे है, बिहार में है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में है कि कहाँ पे है, तो आप समझ जाइए कि किस क्षेत्र में है। तो ये चौथा नंबर भी बहुत खतरनाक माना जाता है, ये विनाशकारी है, और पांचवा नंबर तो अनर्थकारी माना जाता है। उसी तरह से तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर आप देख रहे हैं अत्यधिक प्रबल माना जाता है, वहां पे 7 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो तीसरा नंबर में कौन कौन आता है ये देख लीजिए, ये जो पूरा क्षेत्र हमने बनाया है, ये क्षेत्र इस पेन के अलग रंग से दिखाया है, ये सब तीसरा क्षेत्र में आता है। और चौथा क्षेत्र ये जो दूसरा और एक पहला नंबर का जो क्षेत्र है, दोनों को एक करके मिला दिया गया है, वो ये देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र हमने बनाया है, ये क्षेत्र है, इसको हमने नहीं बनाया है, एक्चुअली इसको बनाया भारतीय मानक संस्थान और मौसम विज्ञान विभाग ने, वो सिस्मिक मैप तैयार करता है भारत का, वही बनाया है इसको, ये पूरे भारत को भूकंपीय प्रवण क्षेत्र में बांटा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, पहले जो 2002 से पहले 5 जोन था, 2002 में 4 जोन हो गया है, इस डेट को याद रखे रहिएगा, 2002 में 4 जोन हो गया है। अब भूकंप आता क्यों है इसको जरा देख लीजिए, इसको तो आप जान गए, पांचवा नंबर का अभी हमने बता दिया है कि यहाँ पे जो है प्लेट का मार्जिनल एरिया है, इसके कारण आ रहा है। चौथा नंबर का जो एरिया देख रहे हैं आप, इसी से लगा हुआ है, यानी पांचवा से एकदम सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी हलचल की क्रियाएं होगी। जब पांचवा में होगा तो यहाँ पे भी उसका प्रभाव आना ही आना है, वहां भी उसकी इंटेंसिटी होगी ही होगी, यहाँ भी मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे देखिएगा कि पांचवा के बाद चौथा, चौथा के बाद तीसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। इधर भी आप देखिएगा तो आप देख रहे होंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो प्रबलता धीरे धीरे कमती जाती है, उत्तर में ज्यादा है, फिर बीच में कम है, फिर कम है, फिर कम है। उसी तरह से पश्चिम से जब पूर्व जाते हैं तो फिर प्रबलता ज्यादा है, फिर मध्यम है, फिर कम है, इस तरह से होते जाता है, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भूकंप की तीव्रता घटती जाती है। उसके पीछे का भी कारण देख लीजिए, ये चौथा नंबर भी आप देख रहे हैं, ये भी बड़ी खतरनाक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिल्ली है, दिल्ली हरिद्वार हारसिल रिज बन रहा है जो काफी दूर तक जा रहा है, और यह नीचे से प्लेट जो है वह कहा जा रहा है कि वहां से एक प्लेट जो है नीचे से फट रहा है, और वहां पे एक पूरा का पूरा एक रिज बन रहा है, और वह बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला और बहुत ज्यादा मतलब जो है वह प्रबल क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से, दिल्ली हरिद्वार हारसिल गैप। उसी के तरह यहां देखते हैं एक 90 डिग्री ईस्ट रिज है, हिंद महासागर में है, अंडमान निकोबार के साथ होके गुजरता है, यह रिज जो है वो मालदा गैप तक पहुंच जाता है, एवरेस्ट और कोसी तक, और यहां भी एक रिज बन रहा है, और यहां भी दरार फट सकता है, नीचे बहुत सारी हलचल होती है, जिसके कारण यह भी क्षेत्र बहुत खतरनाक है। तो आप देख रहे हैं उसी तरह से तीसरा नंबर के खतरनाक एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है इसमें भी भूकंप आता है, क्योंकि यहाँ भी भ्रंश पे स्थित है ये पूरा क्षेत्र, नदियों का भ्रंश है यहाँ पे। भ्रंश बना कैसे? भ्रंश इसी से बना है, ये प्लेट जो अंदर में धंस रहा है वो धंस करके अंदर में स्टेनोस्फीयर में जाके बेनी ऑफ जोन में जाके गल जाता है, तो उसका उसमें जो मैग्मा बनता है वह मैग्मा जो है वह क्या करती है कि दक्षिण की तरफ जाती रहती है, फिर वह पश्चिम की तरफ भी मुड़ती है, यानी दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुड़ती है, धरती के अंदर में ही, भारत के अंदर में हो रहा है ये सारा हलचल, और वहां से वह धक्का देती है, बाहर की ओर आना चाहती है लेकिन वह आ नहीं पाती है, आ जाता तो ज्वालामुखी फट जाता, लेकिन वो फटता नहीं है, और धक्का देने से भूकंप आ जाता है, तो PS और L वेव के रूप में निकलता है, और इस क्षेत्र में भी फॉल्टिंग की क्रिया होने से भूकंप आ सकते हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि
दूसरा और पहला में भी उसी तरह से भ्रंश बने हुए हैं और इस तरह से भूकंप आते रहते हैं। या देख रहे हैं कि यह क्षेत्र जो है नदियां लगातार हिमालय को काट रही है, काट काट करके धीरे धीरे वो बंगाल के खाड़ी में डेल्टा बना रही है। तो डेल्टा बनाने से क्या होगा कि इस पूरे क्षेत्र में ये एक तरह से हल्का हो रहा है, क्योंकि यहाँ के मटेरियल उठा उठा करके नदियाँ कहाँ डाल रही है, बंगाल के खाड़ी में। तो यहाँ पे मटेरियल भारी हो गया, यहाँ ज़्यादा जमाव हो गया, तो नीचे धंसेगा और जहाँ हल्का हुआ वहाँ से ऊपर उठेगा। पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, आइसोस्टेसिस का ये नियम है। तो इसके कारण भी भूकंप आते रहते हैं और ये भूकंप आते ही रहेंगे। हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, पहले हम लोग पढ़ते थे 8848 मीटर, अब हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है। कहा जाता है कि 4 से 5 सेंटीमीटर यह प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ता रहता है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ती रहती है। आने वाले टाइम में हिमालय की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ेगी और एवरेस्ट का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह 8852 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। तो ये सब हो सकता है, साथ ही ये क्षेत्र भी ऊंचा हो रहा है और यह क्षेत्र नीचे धंस रहा है, तो इस क्षेत्र का भी उत्थान हो रहा है। यहाँ भी देखते हैं योसिन काल में एक दरार फट गया था, क्रिटेशियस काल में भी एक दरार फटा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा का यहाँ पे जमाव हुआ था। तो ऐसे भी आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भी दरार फट सकते हैं, यहाँ से भी एक मालदा गैप और यहाँ से एक दिल्ली हरिद्वार हारसिल गैप हो सकता है। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि भारत में जो ये चार क्षेत्र है वह कितना खतरनाक है। अब देखिए भूकंप के का पूर्वानुमान हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे ही कहीं भूकंप आता है समुद्र के अंदर में, या ओशन हो चाहे समुद्र हो, सी हो चाहे ओशन हो, वहाँ पे सुनामी पैदा हो सकता है। अगर उसकी तीव्रता ज़्यादा रही 8 या उससे ऊपर, कभी कभी 7 के ऊपर, तो वहाँ सुनामी पैदा हो जाते हैं। सुनामी भी एक प्रकार की लहर है, लेकिन वह पी एस और एल की तरह लहर नहीं है, वह एक अलग ही किस्म की लहर है। वहाँ पे होता क्या है कि मान लेते हैं कोई तालाब है, उस तालाब में आप एक पत्थर लेकर के मारिए उसमें, तो क्या होगा कि पत्थर का जो जहाँ पे गिरेगा पत्थर, वहाँ से लहरें चारों तरफ चलेगी, जल की लहरें चारों तरफ उसके तरफ फैलेगी। और जैसे जैसे लहर तट की तरफ आएगी उसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा, लहर का ऊंचाई बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते तट पे आती है तब तक वो सर्वाधिक लंबा हो जाती है। तो उसको कहते हैं सुनामी, और सुनामी जो है वो बंदरगाहों को नष्ट कर देता है, इसीलिए जापानी नाम है सुनामी, इसका अर्थ होता है बंदरगाहों को नष्ट करने वाला लहर। उसी तरह लैंडस्लाइड हो सकता है, कहीं भी भूकंप आएगा, जैसे हिमालय क्षेत्र में बराबर होते रहता है तो उससे लैंडस्लाइड होता है, और लैंडस्लाइड होने से, भूस्खलन होने से बड़े बड़े पत्थर टूट के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और उसके कारण बड़ा अपार जन धन की बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो फिर वो उसके बाद क्रैक्स ऑन प्लेटू एंड प्लेन, देखिए प्लेन और प्लेटू पर यानी कि पठार और मैदानों में बड़े बड़े क्रैक्स विकसित हो जाते हैं, बड़े बड़े भ्रंश बन जाते हैं, तो ये होता है भूकंप से। अच्छा, भूकंप का कुछ फायदा भी है, कभी कभी क्या होता है कि नीचे का जो खनिज है वह बहुत ऊपर तक आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर भूकंपों से नुकसान ही होता है, और तो इसलिए भूकंप को तो हम लोग सही नहीं मानेंगे। दूसरा, आप देख लीजिए कि भूकंप से संबंधित कुछ फैक्ट है, उसका पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि भूकंप जो है ज़्यादातर देखा गया है सुबह सुबह, यानी कि ज़्यादातर जो भूकंप आया है इस दुनिया में वह सुबह सुबह ही आया है। गुजरात में भी आया तब भुज वाला क्षेत्र में सुबह सुबह आ गया था। उसी तरह से भूकंप के बाद सामान्यतः वर्षा होती है, कहा जाता है कि भूकंप जब आया तो उसके बाद वर्षा हो जाती है। पता नहीं भूकंप का संबंध कहीं सूरज से तो नहीं है, कहीं वायुमंडल से तो नहीं है, क्योंकि भूकंप आया तो वर्षा हो गया, पता नहीं वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कैसे हो गया ऊपर बादलों में और उसके बाद वर्षा हो गया, हो सकता है कुछ भी, या सुबह सुबह क्यों होता है, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं सूरज से उसका कोई संबंध हो भी सकता है। और ज़्यादातर भूकंप जो है कहा जाता है ज़्यादा खतरनाक होता है जून से दिसंबर वाला महीना में। तो जून से दिसंबर वाला महीना में क्यों खतरनाक होता है, पता नहीं, सूरज जो है जून से दिसंबर के महीना में उत्तरायण रहता है, उत्तरायण रहता है कि दक्षिणायन रहता है, जून से दिसंबर के महीना में दक्षिणायन रहता है, तो उस टाइम में भूकंप आते हैं क्यों ज़्यादा वो पता नहीं है, फिर हो सकता है सूरज से कनेक्शन हो, अब वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। साथ ही जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्ता चूहा और सांप को पता लग जाता है, उनके पास एक सेंस है, वो कहा जाता है कि जो 20 हर्ट्ज से भी कम का जो लहरें होती है जिसको अब श्रम वितरंगे कहते हैं वह भी वह सुन लेता है, उसको अनुभव हो जाता है, उसको पता चल जाता है। तो पी वेव्स जो होता है उससे पहले भी कुछ इससे भी पहले कुछ लहरें उत्पन्न होती है, अब वह लहर जो है कुत्ता और चूहा और सांप पहले ही भाग जाते हैं, तो इसका मतलब है वह भागने लगते हैं। गुजरात में भी भूकंप आया तो कुत्ता को पहले पता चला, कहा जाता है कि कुत्ता इतने वफादार होते हैं
कि जो अपने मालिक है उसको वो अपने मुंह में पकड़ करके वो उसको बाहर निकाल रहा था, और ससुराल ये जो लोग थे वो बाहर लग रहे थे कुत्ता को क्या हो गया, ये बाहर क्यों निकलना, वो धीरे धीरे वो निकलना नहीं चाह रहे थे। जब जबरदस्ती वो कुत्ता उसको बाहर निकालता है तो देखते हैं कि बिल्डिंग गिर गया पीछे। तो होता है इस तरह से, कुत्ता को पहले पता था, चूहा, चूहा कहा जाता है, चूहा को भी पहले, चूहा बिल से भागने लगते हैं, सांप भी पहले ही निकल के भागने लगते हैं। कहा जाता है कि ये जो चूहा है वह गणेश जी का सवारी है। आपको पता है चूहा पे बैठते हैं, गणेश जी है शुगर के पेशेंट, आपको पता होगा कि वो बहुत मोटे उनका तोंद है, उन्हें भागने में बनेगा नहीं। तो क्या होगा कि जैसे ही भूकंप आएगा तो चूहा पे बैठेंगे भागेंगे, क्योंकि इसको पहले पता लग जाएगा। उसी तरह से सांप है, सांप शंकर जी के गर्दन में रहता है। अब शंकर जी कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पे, हिमालय में। अब भूकंप आ जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा, तो सांप को पहले पता हो जाएगा, ये संकेत दे देंगे और वहाँ से वो निकल लेंगे। तो ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो कुत्ता, चूहा और सांप को पहले, पक्षियों को पहले पता हो जाता है। उसी तरह से अनुमान लगाने के लिए बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, कुछ कहीं कहीं पे सफलता भी मिली है, लेकिन अभी पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। साथ ही साथ एक गैस भी निकलता है कहीं कहीं पे, रेडॉन गैस, जहां भी भूकंप आने वाला होता है कुछ देर पहले वहां पे रेडॉन गैस निकलता है। उस रेडॉन गैस से भी ये पता लग सकता है कि शायद यहाँ पे कोई हलचल होने वाला है, हो सकता है भूकंप आ जाए, तो हमें उस पर भी नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ अब अगर भूकंप के प्रभाव को कम करना हो, उसको उसका मैनेजमेंट करना हो कि कैसे ये इसका होने वाले क्षति को कम से कम किया जाए, तो अधिक से अधिक संख्या में भूकंपीय विश्लेषण केंद्र बनाना चाहिए, भूकंप लेखी यंत्र स्थापित करना चाहिए, और पहले ही पता लगे तो लोगों को सचेत कर देना चाहिए, ये करना चाहिए। साथ ही जब भी आप घर बनाएं तो भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर आपका घर या आपका क्षेत्र भूकंप का जोन नंबर 5 में और 4 में आता है तो हर हाल में वहाँ पे भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ही घर बनाना चाहिए। देखिए भूकंप रोधी घर बनाने से 10% ज़्यादा महंगा पड़ता है घर, लेकिन आप उसमें सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगर वह बिल्डिंग गिर गया तो आपका हालत खराब। उसके बाद अगर भूकंप आ गया तो क्या करना है, आ गया तो कोना में जा करके छुपना है, या कहीं पे जो बहुत ज्यादा ऐसा सामान हो जो बहुत सख्त हो उसके नीचे जा करके छुप जाना चाहिए, क्योंकि जब भी बिल्डिंग गिरता है तो देखते हैं एक बिल्डिंग गिरेगा दूसरे बिल्डिंग पे जाके गिर जाएगा, एक इधर से गिरा एक इधर से गिरा दोनों, और बीच का जो गैपिंग होता है कोना वाला क्षेत्र वहां पे अक्सरहा जो होता है वो गैप बचा रह जाता है। कभी कभी आदमी जो है जितना बच के निकल जाता है भूकंप के बाद, आपने कई बार सुना होगा न्यूज में, वो कोना में पड़ा रहता है, इससे बच जाता है। तो जब भी भूकंप आए तो आदमी को या तो फील्ड में तुरंत चले जाइए, अगर नहीं जा पाते हैं तो उसी में वो घर में ही कहीं पे कोना में या किसी हाट जैसे चौकी हुआ, जैसे पलंग हुआ, उसके नीचे जाकर के छुप जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।